एक मीटिंग हुई है कुछ एक माह कबल, कुछ इतलात हैं मरी में, और एक कलदम तंजीम है और दूसरी जानब एक बैरून मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में अक्सर मुदाखलत करता रहता है। जो भी फ़िरक़वाराना और पुरतशद्दुद कामों के लिए इस्तेमाल होता है वो दीन का खैरखा नहीं है। आपस की शादियाँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं, और मेरे अपने घर सुन्नियों से ब्याही हुई बच्ची मौजूद है, हमें कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई। सऊदी लॉबी का जिक्र तो आप कर रहे हैं, अमरीकी लॉबी का जिक्र कर रहे हैं, ईरान की लॉबी भी तो है। मकतबे अहलुल बैत एक तारीख रखती है, रखता है, इसकी तारीख में कत्ल होना है लेकिन जालिम बनना नहीं है। असद के खिलाफ हथियार उठाने में आपने इन ग्रुप्स का तो जिक्र किया है, अहले तशय्यो पर भी इल्ज़ाम तो है। अस्सलाम वालेकुम, जी टी वी डिजिटल के साथ मैं हूँ रज़ी ताहिर। आज हमारे मेहमान हैं इलामा अमीन शहीदी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और पाकिस्तान में जब भी बात होती है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से तो शिया स्कॉलर्स के अंदर से अगर कोई नाम उभर के सामने आता है तो वो इलामा साहब का नाम है। मौजूआत बड़े ख़ास हैं और ऐसे मौजूआत हैं जो हर पाकिस्तानी सुनना और जानना चाहता है। क्या वाकई पाकिस्तान में शिया सुन्नी जंग है? ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लॉबी कैसे काम कर रही है, और फिर ये मसल की बालादस्ती की जो जंग है, इस जंग का शिकार है पाकिस्तान, ये जंग आखिर कब ख़त्म होगी, और मिंबरों मेहराब से हमें इत्तेहाद की आवाज़ कब आएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से आगाज़ करते हैं। एक मीटिंग हुई है कुछ एक माह कबल, कुछ इतलात हैं मरी में, और एक कलदम तंजीम है और दूसरी जानब एक बैरून मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में अक्सर मुदाखलत करता रहता है। कुछ इतलात हैं आपके पास उस मीटिंग की, और उसमें यह है कि फ़िरका वारियत फैलाने के हवाले से और ख़ुसूसन अहले तशय्यो को टारगेट करने के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं, खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौका फराहम किया। देखिए, पाकिस्तान अपने महल वकूह के एतबार से, अपनी आबादी के एतबार से और अपनी कौम के नेचर के एतबार से एक यूनिक मुल्क है। यहाँ पर दीनी अकदार और वैल्यूज़ बाकी दुनिया की नस्बता ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और खसूसियत भी है, वो ये है कि बरसगीर पाक व हिंद की मिट्टी में शायद ये बात शामिल है कि यहाँ के लोग बिलमूम बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। अच्छा। अकलानियत का रुझान कम और जज्बातीत का रुझान हमेशा गालिब रहता है। अब जहाँ पर जज्बातीत ज़्यादा हो वहाँ पर आग लगाना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही तो इसलिए अब हमारे माशरे के अंदर 25 करोड़ आवाम में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं आपके सामने है, दानिश और इल्म से आरास्ता लोगों की तदाद रेशो क्या है वो आपके सामने है, तालीमी इदारों में तालीम की इल्म की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। अब एक ऐसे माशरे में अगर आप एटमी मुल्क को सामने रखें जी, जिसके पास दुनिया इस्लाम के वाहिद एटमी मुल्क होने का एज़ाज़ हो, तो यकीनी तौर पर उसके इर्द गिर्द के दुश्मन भी और दूर और नज़दीक के दुश्मन भी इस कोशिश में लगे रहेंगे कि उस माशरे को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए, अपाहिज बना दिया जाए कि जिसके नतीजे में वो अपनी उस कुव्वत से दस्तबरदार हो सकें। पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन कोई 30-35 सालों से फ़िरक़वाराना रुझानात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाए गए। जब बढ़ाए गए तो ज़ाहिर है वो अंदर से कम और बाहर से उसका ईंधन ज़्यादा आया। पाकिस्तान में अब तक खुद हमारे मकतब के पैरोकारों में जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 27,000 है। अच्छा जी, हमारे पास आदाद शुमार मौजूद हैं, इस बुनियाद पर ये बात करें। ये कितने सालों में? ये इन्हीं सालों में, यानी पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो 27,000 लोग सिर्फ अपने मसलक के इल्ज़ाम या जुर्म में शहीद कर दिए गए हैं। ये वही मुल्क है जहाँ पर हर रोज़ धमाके होते थे, हर रोज़ खुदकुश हमले होते थे, ये वही मुल्क है जहाँ पर काफ़र काफ़र के नारे लगाए जाते थे। तो ये ज़ाहिर है बैरूनी फंडिंग के अलावा ऐसा काम मुमकिन नहीं है। अच्छा, हमने बैरूनी अपने दोस्तों और दुश्मनों को भी मिनहे से पाकिस्तानी देख लिया है कि वो किस हद तक पाकिस्तान का साथ देने पर तैयार हैं। तो यहाँ पर चूँकि गुरबत भी है
और गुरबत अपनी इंतहा को छू भी रही है, इसलिए बाहर की उन कुवतों को यहाँ पर बच्चे नौजवान मिल जाना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, नहीं है। बहुत कम कीमत पे लोग अपनी जान देने पर तैयार नजर आते हैं। और उसी बुनियाद पर गुज़श्ता इन सालों में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फ़िरकावाराना शिद्दत पसंद और दहशतगर्द ग्रुप्स बने और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अमन व अमान को तहोबाला कर दिया। जबकि अगर आप माशरती तौर पर हकीकत देखें तो इस माशरे के अंदर जब आप देहातों में जाते हैं तो सुन्नी शिया साथ में इफ्तार करते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं, शादियों में भी नज़र आते हैं, मौत के मौके पर भी नज़र आते हैं। लेकिन एक मसलक का मसला ऐसा है जिसमें आग लगाई जाती है। अब इधर से भी और उधर से भी हर तरफ से ये मसाइल मौजूद हैं। तो इसमें जो बात असल है, मैं जहाँ तक समझ सकूँ देखने के बाद, वो यह है कि पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के दरमियान अगर एक शख्स आकर एक खराबी पैदा कर दे तो अपनी जहालत की वजह से, नादानी की वजह से और जज्बातीत की वजह से वो उसका शिकार न सिर्फ खुद होता है बल्कि अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को उसका शिकार कर देता है। और बुज़ुर्गों ने कहा, फारसी में एक ज़रूर मसल है कि एक बेवकूफ़ जब कुएं में पत्थर फेंकता है तो 100 बंदे आकल आते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक माशरे के अंदर तबाही फेरने के लिए, इस तरह के रुझानात को जन्म देने के लिए और तखरीबकारी के लिए 1 से 2 बंदे बहुत होते हैं, लेकिन उन 2 बंदों के असरात को संभालने के लिए पूरे माशरे को तगोदो करनी पड़ती है। हमारे माशरे की बदकिस्मती यही है कि हम नस्ली एतबार से, कबाइली एतबार से, जुग्राफियाई एतबार से, मसलकी एतबार से इतने तकसीम शुदा हैं कि हमारी इस तकसीम से इस्तफादा एक दुश्मन के लिए बहुत ही आसान है। अब हमारा अलमिया एक और ये है कि इस मुल्क के अंदर इन फ़िरकावाराना रुझानात को जन्म देने में हमारे इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है माजी में, और अफ़गानिस्तान की जंग से लेकर तालिबान और TTP तक अगर आप इस पूरे दौरानिए को देखें तो यहाँ पर आपको स्टेट के साये में दहशतगर्द पलते हुए, फूलते फलते हुए और अपने मकासद हासिल करते हुए नज़र आएंगे, और उन पर साया होगा हमारे हमारी रियासत और हमारे हुक्मरानों का। ये माजी का एक ऐसा बाब है जो बहुत ही तल्ख है, बहुत ही तारीख है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें भी जब मैं जाता हूँ पाकिस्तान के किसी भी कोने में, मैं चूँकि बिलउमूम सफ़र पे होता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि शिया और सुन्नी मिलकर रह रहे हैं अब भी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद। मैंने ये देखा है कि अब भी उनके दरमियान आपस की शादियाँ हो रही हैं, तमाम तर इन फसादात और कोशिशें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अभी मैं किसी और TV चैनल से प्रोग्राम के बाद आपके पास आ रहा हूँ तो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, कट्टर अहले सुन्नत, उनके वालिद मौलाना, उनके भाई मौलाना, एक मदरसा वो खुद चला रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी बेटी शियों में दी हुई है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, और मेरे अपने घर सुन्नियों से ब्याही हुई बच्ची मौजूद है, हमें कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई। तो इसका मतलब है आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अवाम में ये मसाइल न होने के बराबर हैं। हाँ, जब आप नफ़रत की आग भड़काते हैं तो अच्छे खासे पुरअमन घर में भी एक दफ़ा इश्तआल तो फैलता है। और इस नफ़रत की आग को जलाने में जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया, ऐसी कोई मीटिंग हुई है? ये 1 महीने पहले की बात नहीं है, मुहर्रम से पहले की बात है। अच्छा, मुहर्रम से पहले मरी में हमारे मुल्क की वो कलअदम जमात जिसको मुशर्रफ ने कलअदम करार दिया था, अच्छा, और बाद में फिर उनसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ जगहों में खूब इस्तफादा किया, तो उसके सरबराह मरी के अंदर अमरीकी एक ओहदेदार से मिले, और मिलने के बाद वहाँ पर उनके सामने अपने मुतालबे रखे। अच्छा। और उन मुतालबात में एक मुतालबा ये था कि हम पाकिस्तान में तशैयों के ख़िलाफ़ और आपके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के ख़िलाफ़ यहाँ पर काम करना चाहते हैं, हमारी मदद करें। दूसरा उनका मुतालबा था कि हम इलेक्शन में अगर कामयाब हो जाएं और असम्बलियों में पहुँच जाएँ तो हम आपके मकासद को बेहतर तौर पर पूरा कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें आप हमारी मदद करें। तो जो उनका मकसद था बुनियादी तौर पर वो यही था। अच्छा, अमरीकी भी आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर
जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ पर तखरीब और तबाही के अलावा तो उन्होंने कोई तोहफा नहीं दिया। तो अमरीकी किसी के दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के दोस्त हैं। मैं इन्हीं साहब के हवाले से एक और जुमला भी अर्ज़ करूँ, फिर उसके बाद आप सवाल कीजिएगा कि कुछ अर्से पहले इसराइल के एक रोज़नामे ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें जिस शख्स ने आर्टिकल लिखा था उसने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा बड़ा आसान टारगेट है, ठीक है। और वो आर्टिकल जो है इबरी जबान में भी था और अंग्रेजी में भी था। अच्छा। उस जमाने में मैंने निकाल लिया था, मेरे पास अब शायद रिकॉर्ड में कहीं पर हो, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि अपनी इसराइली हुकूमत से मुखातब होकर कहा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनको आप सिर्फ एक टैंक की कीमत दें जो आप यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा। अगर आप एक टैंक की कीमत उनको देंगे तो वो आपके तमाम मकासद पाकिस्तान में पूरा करने में भरपूर आपका साथ देंगे और रोल अदा करेंगे। ज्यादा कीमत बता दी उन्होंने। उन्होंने बहरहाल जो आर्टिकल में लिखा था वो ये था। अच्छा। तो उसमें दो बंदों का उन्होंने नाम लिया था पाकिस्तान में। अच्छा। एक तो यही कलदम जमात के सरबरा और दूसरे एक साहब थे जो दुनिया से चले गए, वो भी मौलाना ही थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फिरकवाराना लड़ाइयों और तशद्दुद में जो बैरूनी हाथ है, उन हाथों को जो यहाँ पर मदद मिलती है यहाँ के उन इदारों और शख्सियात की तरफ से मिलती है जिनके पेट का मसला उनको हमेशा बाहर की ताकतों से वाबस्ता करता है। वो सियासी जमातें भी देखने में हमें तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो साबिक वज़ीर दाखला थे, वो भी कलदम तंजीमों के मेन रहनुमाओं के साथ डिनर करते दिखाई देते हैं, रैलियाँ करते दिखाई देते हैं। तो क्या उनकी भी ज़रूरत है किसी जगह अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए कलदम तंजीमों को इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये जो किराए के लोग मिलते हैं ना, तो ये हर एक की ज़रूरत होते हैं। अच्छा। इनके हाथ तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि हम हमेशा किराए के लिए हाजिर हैं, जो भी हमारा किराया हमें दे। तो इसलिए कभी ये बैरूनी क़ुव्वतों के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं और उनके अहदाफ को पूरा करते हैं, कभी खुद हमारे मुल्क के अंदर के मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं, कभी जब हालात बदल जाते हैं तो फिर मुँह छुपाते भी नज़र आते हैं। तो अगर इस एतबार से आप देखें तो आपको किराए के लिए अवेलेबल फोर्सेस पाकिस्तान में इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद जमातों में माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिल जाएंगे। अलबत्ता उसके साथ साथ हकीकत का इनकार भी नहीं करना चाहिए कि इन्हीं दहशतगर्द ग्रुपों और तंजीमों के अंदर बाज़ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ धोखा खाया, गलती की वजह से, कम इल्मी की वजह से, नादानी की वजह से उन लोगों की बातों में आए और उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि हकीकत क्या है तो वो बेशतर मजहब ही से बिल्कुल रूगर्दान हुए और एथिस्ट बन गए। अगर अभी आप सोशल मीडिया पर लिखने वालों को देखें तो आपको कल अदम जमात के और देवबंदियों के बड़े बड़े मौलाना हजरात के बेटे आपको एथिस्ट, खुदा और दीन के मुनकर नजर आएंगे और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखते हुए नजर आएंगे। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि उन्होंने अमल का तजाद देखा है, ठीक है, जो उन बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनते हैं फिर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, तो उसके बाद फिर कहते हैं अगर यही इस्लाम है, इस्लाम को मेरा सलाम, एक फ़कत इस्लाम क्या, कुरान को मेरा सलाम, जोश मली आबादी ने कहा था। तो यही कैफियत उनकी हो जाती है जब वो इस तरह से देखते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने में आपने इन ग्रुप्स का तो जिक्र किया है, अहले तशय्यो पर भी इल्ज़ाम तो है? देखिए, इल्ज़ाम है कोई शक नहीं। एक ज़माने में एक तंजीम यहाँ पर बनाई गई और उस तंजीम ने उसी तरह से वो हरकतें शुरू की जो ये दहशतगर्द जमातें करती थीं। अलबत्ता उन्होंने आवाम की जगह उनके लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और ये एक अरसे तक बाजार गर्म रहा। अच्छा। लेकिन ये भी हकीकत है कि उस ग्रुप को भी हमारे इसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारों ने तश्कील दिया था। अच्छा। इसलिए जब उनकी ज़रूरत पूरी हुई तो उनका सफाया हो गया और वो ख़त्म हो गए। आज वो मौजूद नहीं है। आज जब वो मौजूद नहीं है, माँ की जानिब से उन्हें डिसओन किया गया, हमेशा हमेशा डिसओन किया गया। क्योंकि देखें, बुनियादी तौर पर मकतबे अहलुल बैत एक तारीख रखता है। इसकी तारीख में कत्ल होना है लेकिन जालिम बनना नहीं है। इसकी पूरी तारीख खून से लिखी गई है। पूरी तारीख में अहलुल बैत के मानने वाले वो हैं जो ना मदीना में रह सके, ना मक्का में रह सके, ना इराक़ में रह सके, पूरी दुनिया में
तितर बितर हुए उन्हीं मजालिम की वजह से जो कभी उमवियों की तरफ से थे और कभी बासियों की तरफ से, और आज भी ऐसा ही है पाकिस्तान में। अगर आप गौर करें, मैंने कई दफ़ा ये बात टीवी पे भी कही है और आपसे भी अर्ज़ करूँगा, अगर एक शिया बच्चे को 5 साल 6 साल की उम्र हो उसकी, किसी शिया इलाके में जाके आप उससे पूछें ना कि सुन्नी कैसे होते हैं, तो वो फौरन कहेगा हमारी तरह के होते हैं। उसका जहन कहीं पर भी नेगेटिविटी से भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैं ये आपको चैलेंज करके कहता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर आप इन तकफीरियों के बच्चों से पूछें तो वो फौरन कहेंगे शियों के 2 बड़े कान होते हैं, एक जमीन पर बिछाते हैं दूसरा ऊपर ले लेते हैं, शिया जी वो गरीब मखलूक होती है, शिया ये करते हैं शिया वो करते। अच्छा, एक सवाल ये है, जो इस तरह के प्रोपेगेंडे हमेशा होते रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? वजह उस आइडियालॉजी का खौफ है, आइडियालॉजी का खौफ, क्योंकि वो आइडियालॉजी जो मजलूम को ताकत देती है और जालिम के मुकाबले में खड़ा करती है, उस आइडियालॉजी से हमेशा दुनिया की मुस्तकबर ताकतों को खतरा महसूस होता है। ये खौफ भारत में, नाइजीरिया में, इराक में, लबनान में, दीगर ऐसे ममालिक में, यमन में, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? वहाँ पे क्यों नहीं ऐसे ग्रोह जन्म दिए जिन्होंने शिया सुन्नी को आपस में मारा? कुछ तो, एक तो हमें दाश की सूरत में मिलती है, लेकिन उसके पीछे हमें अमरीकी हाथ मिलता है और दीगर ताकतों का हाथ मिलता है, लेकिन अंदरूनी सतह पर हमें नहीं लगता कि स्टेट के अंदर कहीं कोई नाइजीरिया के अंदर या लबनान के अंदर या यमन के अंदर कोई ऐसे ग्रोह हों जो आपस में एक दूसरे से गथम गथम। ये पाकिस्तान में ही क्यों? देखिए, छोटे छोटे ग्रुप्स तो हर जगह बनाए गए हैं। बोको हराम अफ्रीका का ग्रुप था। अच्छा। उसका काम क्या था? मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम और फिर उसकी वीडियो बनाना और दुनिया में फैला देना। उससे जो मैसेज दुनिया में जाता था वो क्या है? इस्लाम का एक इंतहाई मकरूह मस्कशुदा सियाह चेहरा दुनिया के सामने पेश करना। काम वो किसके लिए करते थे? अमरीकियों के लिए। अच्छा अच्छा, दाइश उसकी एक जिंदा मिसाल है। सीरिया पूरा तबाह हो गया किसकी वजह से? अमरीकी, सऊदी और दाइश। जाहिर है इन लोगों ने भरपूर तौर पर काम किया। अगर आपको याद हो, आप सहाफ़ी हैं, तो बंदर बिन सुल्तान ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो उसके बाद तकरीबन उनकी जो सिलेक्टेड फोर्स थी उसकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। अच्छा। तो उस 1 लाख की सिलेक्टेड फोर्स में पाकिस्तानी कितने थे? पाकिस्तान के एक बड़े नामवर जहादी लीडर से एक दिन मैंने पूछा कि आपने अफगानिस्तान की जंग में तो खूब काम किया और पैसे भी बनाए, अब सीरिया की जंग में आपने कितने बंदे भेजे हैं? तो हंसे, हंस के कहा कि आपका क्या ख्याल है कितने भेजे होंगे? मैंने कहा 4-5 हज़ार। का कमाल करते हैं, आपने हमें इतना कमज़ोर समझा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद हमने भेजी है। अच्छा। तो अब मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान से सीरिया जाके कैसे लड़ती थी, कैसे पहुंचती थी? उनका पासपोर्ट कौन बनाता था? उनके वीज़े कौन इशू करवाता था? उनको जहाज़ों में भरकर कौन ले जाता था? ज़ाहिर है हमारे सीरिया में वो किसके खिलाफ लड़ते थे? वो सीरियन अवाम के ख़िलाफ़ और असद की हुकूमत के ख़िलाफ़। अच्छा। हाँ, और सऊदियों की हिमायत में और बाकी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनके आलेकार के तौर पर। खुद ये दाइश का वजूद क्या इस बात की दलील नहीं है कि अमरीकियों ने कितना उन पर सरमाया लगाया? $7 ट्रिलियन गालिब, 7,000 ट्रिलियन डॉलर का दावा तो ट्रंप ने किया था। अच्छा। कि भाई हमने इतना पैसा लगाया लेकिन उसके मुकाबले में जो हमें हासिल होना चाहिए था वो हम हासिल नहीं कर पाए। तो ये ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो ये ईरान में भी रहा है ये मसला, ईरान में भी बड़े बड़े लोगों को मारा गया है। ईरान में उस इनकलाब के बाद अगर आप देखें तो पहली कैटेगरी के इमाम खुमैनी के अलावा सबको मार दिया गया। अब जो बाद की लौट है वो आई, पहली कैटेगरी में शामिल हो गई। तो ये जो इतनी बड़ी तबाही, असेंबलियों का उड़ा देना, असेंबलियों के तमाम मेंबरान को एक धमाके में उन सबको उड़ा देना कोई मामूली बात तो नहीं थी। सदर और वजीर आजम को एक साथ उड़ा देना कोई मामूली बात नहीं थी। रिजीम चेंज जो है इस पर थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। पहले वाले जो कलदम तंजीमों का है और एक लॉबी का जिक्र आप अक्सर कर रहे हैं, सऊदी लॉबी का जिक्र तो आप कर रहे हैं, अमरीकी लॉबी का जिक्र कर रहे हैं, ईरान की लॉबी भी तो है। यकीनन होगी, यकीनन होगी, मैं उसका इंकार नहीं करता। पाकिस्तान में ईरान की लॉबी के लिए कौन काम कर रहा है? सवाल यह है कि ईरान के लिए काम क्या हो रहा है? सवाल यह है, काम देखेंगे आप तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान के लिए काम करने वाले कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
یہاں پر فرقہ وارانہ فضا کو فروغ دینے میں اگر کسی کا رول ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے کون ہے. اگر آپ دہشت گردی کو فروغ دینے والے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے. پاکستان کے اندر حتیٰ وہ جماعت جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ شیعوں میں سے بنایا گیا اور جو بنائی گئی ایک جماعت اور وہ پھر ختم ہو گئی, اس کے لیڈر سارے ختم ہو گئے, لوگ سارے ختم ہو گئے, تو خود اس وقت بھی ان کو کس کی پشت پناہی حاصل تھی, ایران کی یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی؟ ظاہر ہے یہ تو اظہر میرا شب تھا نا. اگر آپ کو عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو یاد ہو, اس کا کلپ میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کل عدم جماعت سپاہی صحابہ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری شیعوں سے صلح کروا دیں اس لیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ہمیں ان کے خلاف استعمال کرتی ہے. اچھا. اور بعد میں پھر ہمیں وہ مکھن سے بال کی طرح سے نکال کے پھینک دیتی ہے, تو آپ ہماری صلح کروا دیں. یہ کیا ہے؟ یعنی مسئلہ اگر ایران کی یہاں پر لابی کا ہے تو نمبر ایک اس لابی کے کام دیکھیں گے وہ کیا ہے, کیا تخریب کاری ہے, کیا فرقواریت ہے, کیا پاکستان کے اندر نفرتوں کو عام کرنا ہے, یا پھر پاکستان کے اندر وحدت اور یکجہتی کے فروغ کے لیے جدوجہد ہے. اگر میرے وحدت و اتحاد کے فروغ کی جدوجہد کا فائدہ سعودیوں کو ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی, ایران کو ہوتا ہے مجھے خوشی ہوگی, لیکن اگر میرے کسی فرقوارانہ عمل کے نتیجے میں کسی ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ میرا بھی نقصان ہے اور میرے ملک کا بھی نقصان ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے کام کا آیا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, پھر باہر کی وہ کون سی قوتیں ہیں جن کو اس کے اس کام سے فائدہ پہنچتا ہے, اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بہت اندازہ ہو جائے گا. ابھی آپ نے شاید کل پرسوں اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی گفتگو سنی ہوگی, اس نے کہا کہ ہم ایران کو ایٹم بم سے ختم کریں گے. اچھا. ابھی چار دن پہلے کی بات ہے. اسرائیل اور ایران, امریکہ اور ایران دو متحارب ترین قوتیں ہیں, ایران کو فرقواریت سوٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت پر. اچھا. تشیع کو فرقواریت کبھی بھی سوٹ نہیں کرتی. یہ جو فرقے اور مسلکوں کی لڑائی ہے یہ نہ صرف مسلک اہل البیت کے لیے نقصان دہ ہے, خود دین کے لیے نقصان دہ ہے. جب دین کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کی روشنی میں پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعوں کے اندر بھی امریکی لابی موجود ہے, اسرائیلی لابی موجود ہے. مثلا میں مثال کے طور پر عرض کروں آپ سے کہ جہاں کوئی شخص اپنی زبان کے ذریعے سے نفرتیں پھیلاتا ہو اس کو فوری طور پر برطانوی پک کرتے ہیں, امریکی پک کرتے ہیں, اس کو تمام وسائل فراہم کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے, ان کی زبان کے ذریعے سے لوگوں میں نفرتوں کو عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. جس میں ایک نام یاسر حبیب کا ہے جو کویتی تھا, مولانا تھا, شیعہ تھا, اس کو برطانوی وزیر اعظم نے بلکہ ان کی ملکہ نے اپنا لیا اور وہاں پر اس کو سارے وسائل فراہم کر دیے, اس وقت وہ اسی کام میں معمور ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فرقہ وارانہ اور پرتشدد کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دین کا خیر خواہ نہیں ہے. اگر ایران نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم سب مل کے اس کو روک سکیں.